अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबा के जहां में आप सबका स्वागत है। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे घर वाले अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब और आप सबके घर वाले भी एकदम अच्छे। वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था जिसमें मैंने डाला था कि मैं अपने फेस पे ब्लीच कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे कि ये सेफ नहीं होता, या कुछ बोले सेफ होता है या नहीं होता है, या आप कितना एक्टिवेटर मिलाती हैं। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना, ब्लीच कैसे किया था वो मैंने उस दिन वीडियो बना लिया था मैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा मैं आज ये वीडियो बना लेती हूँ और उसको उसमें ऐड कर दूंगी और ताकि आप देख लेंगे कि उसका प्रैक्टिकल में कैसे, मतलब प्रैक्टिकली देख लेंगे। और साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ ब्लीच के बारे में। तो पॉइंट नंबर वन है कि सबसे पहले ब्लीच आपकी स्किन को गोरा नहीं करती है, तो गोरा होने के लिए तो ब्लीच ना लगाएं। ना मैंने इसीलिए लगाई थी अपने फेस पे ब्लीच, मैं सिर्फ इसलिए लगा रही थी क्योंकि कुछ टाइम से अभी जैसे ये सब हालात है तो पार्लर नहीं जा पा रहे हैं, तो जो अपर लिप पे छोटे छोटे हेयर हो जाते हैं ऐसे फेस के साइड पे, तो वो थोड़े ज्यादा दिखने लगे थे, मैंने सिर्फ इसलिए ब्लीच किया है। और मैं सब आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे हमको बार बार ब्लीच नहीं करना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम ब्लीच अपने बर्थडे पे किया था जो कि दिसंबर में था, तब से अभी 6 मंथ्स बाद मैंने ब्लीच किया है। तो आप बार बार ब्लीच करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके फेस पे नुकसान होगा। 3-4 दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, कुछ नहीं होता, हेयर गोल्डन हो जाते हैं ना तो अच्छा लगने लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्किन डैमेज होती जाती है। और आपको ये बताना है कि ब्लीच करके आप धूप में ना निकलें, एटलीस्ट 1 डे तो रात के टाइम पे ब्लीच करें और 1 दिन अवॉइड करें सन पे जाना, क्योंकि स्किन उस वक्त सन ज़्यादा उस पर नुकसान पहुँचाएगा। और आपको ये बताना था कि आप एक्टिवेटर जो मिलाते हैं वो आधे का आधा मिलाएं, मतलब 1/4 मिलाएं, ये मत सोचें कि एक्टिवेटर ज़्यादा मिलाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। पहले हमेशा थोड़ा मिलाएं, अगर आपकी स्किन उतने में ही हेयर आपके गोल्डन हो जाते हैं तो ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर उससे स्किन बर्न हो सकती है। और मुझे आपको ये बताना था कि गोरा होने के लिए ब्लीच ना लगाएं, स्किन को गोरा नहीं करती है ब्लीच, सिर्फ आपके जो हेयर होते हैं वो गोल्डन हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा अच्छा लगने लगता है फेस, वो भी कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर वो नॉर्मल पे ही आ जाता है। और मुझे आपको ये बताना था कि हमेशा लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें, हाथ पे ना करें, हाथ की स्किन और फेस की स्किन बहुत अलग होती है, तो नेक पे कर लें, 10 मिनट तक प्रॉपर उसे लगा रहने दें, फिर देखें कुछ स्किन इरिटेशन तो नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत इरिटेशन फेस पे होती है ब्लीच लगाने पे, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है, अगर ज़्यादा हो तो उसे उसी वक्त निकाल दें। मतलब मैंने जब भी लगाया था तो जब पैच टेस्ट किया था उसके बाद मैं अपने हिसाब से बहुत, जैसे मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मैं बहुत थोड़ा सा एक्टिवेटर डालती हूँ, आगे आप वीडियो में देखेंगे, तो आप भी कम एक्टिवेटर डालें। और अगर आप 20 ईयर्स से कम हैं तो ब्लीच ना लगाएं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा शौक लग गया है पार्लर में जाने का, आईब्रोज कराने का, हेयर स्ट्रेट कराने का, तो ये सब ना करें। हमने भी ये सारी चीज़ें कॉलेज के बाद की है, तो आप भी इतनी जल्दी स्किन में ये सब चीज़ें ना लगाएं, जितना है नेचुरल चीज़ें अपने स्किन पे यूज़ करें। 20 ईयर्स के बाद आप आके देखिएगा, जब आप कॉलेज जाएं कुछ करें तब लगाएं। और क्या बोलते हैं, लगाने के बाद आप उस पर थोड़े, अगर आप उस पर आप क्लीन अप कर लेंगे या फेशियल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको ये बताना था कि कभी भी खरीदें तो एक्सपायरी डेट भी चेक कर लें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेडिकल स्टोर से या कोई भी ड्रग स्टोर से या कहीं से भी लेके आते हैं और यूज़ कर लेते हैं फेस की चीज़, कभी भी कुछ खरीदें तो हमेशा उसे चेक कर लें, उसका एक्सपायरी डेट चेक कर लें। और उसके बाद बस और कुछ नहीं है, बस ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने लगाया है, आप देखिए मेरे फेस पे कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो आपको पिंपल दिख रहा है इसके बारे में बता चुकी हूँ, ये ब्लीच की वजह से नहीं है, थोड़े से मुझे हार्मोनल इश्यूज़ हैं और थोड़ा मैंने ज़्यादा वो बताया आपको बादाम और गरम गरम चीज़ें खा ली, उस वजह से हुआ है। तो पिंपल्स भी हर जगह पे होते हैं, वो अलग अलग इंडिकेशन होता है, यहाँ पे होते हैं तो हीट की वजह से, यहाँ पे होते हैं तो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से। इसके बाद मैं आपको, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ पे पिंपल्स किस वजह से होते हैं और उन्हें कैसे ठीक करना चाहिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही था, आप आगे देखिए मैंने कैसे ब्लीच लगाया है, और वो प्रोसेस आप करेंगे तो आपके फेस पे नुकसान नहीं होगा, लेकिन बार बार ना लगाएं, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब बहुत लगे तभी करें, जब बहुत ज़्यादा फेस डल लग रहा है या कोई फंक्शन आ रहा है घर पे तब एकदम ग्रो करने के लिए आप ब्लीच लगा लें। सो मैं ऑक्सीलाइफ ब्लीच यूज करती हूँ, ये मैं 5 ईयर्स से कर रही हूँ, मुझे अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट देखने नहीं मिला है, ये एकदम सेफ है, डार्क स्पॉट्स हटाता है, सन टैन हटाता है, डेड स्किन सेल्स हटाता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सिर्फ हेयर गोल्डन कर देता है। इसके साथ क्रीम आती है, एक्टिवेटर आता है और पोस्ट ब्लीच क्रीम आती है, और इसमें ये पूरा बताया गया है इसे कैसे लगाना, ये हर लैंग्वेज में है, तो इसे अच्छे से पढ़ें फिर लगाएं। मैंने देखिए ये बड़ा पैक था ब्लीच का, इसलिए 1 स्पून लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा एक्टिवेटर मिलाऊंगी, देखिए
बस आप थोड़ा ही मिलाएं फर्स्ट टाइम में, जितना आपकी स्किन, नहीं तो स्किन में आपके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, 1 मिनट तक अच्छे से मिलाएं ताकि वो प्रॉपर क्रीमी हो जाए। मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश करके अब इस पर अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तब हमने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, अब हम 10 मिनट्स वेट करेंगे। तो इसमें जो ये डायरेक्शन यूज़ करने के लिए आता है उसमें लिखा है कि अगर आपकी डार्कर टोन है तो आप इसे 10 मिनट्स के लिए लगाएं, वीटिश है तो 15 मिनट्स के लिए लगाएं और फेयर है तो 15 मिनट्स। तो मैं 10 मिनट्स के लिए लगाती हूँ, फिर मैं चेक करूंगी कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मिला है कि नहीं। मेरा बेसिक कंसर्न ब्लीच लगाने के लिए सिर्फ फेशियल हेयर है। बीच में हमको एक बार इसको ना ऐसे कर देना है क्योंकि वो एक साथ इकट्ठा होने लगती है, तो इसको एकदम फिर से एक बार मिक्स कर दे। और इसको लगाने के बाद थोड़ी सी इरिटेशन होती है स्किन पे, लेकिन ज़्यादा हो तो आप निकाल दें। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक और 10 to 12 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारे हेयर गोल्डन हुए या नहीं। तो ये इसके साथ जो स्पैटुला आता है मैं उससे चेक करती हूँ। जो छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं ना वो गोल्डन हो चुके हैं। तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है, अब हम इसको निकाल देंगे, उसके बाद मैं आती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, ग्लो तो भी आ गया एकदम छोटे छोटे, उसके वजह से हमारा फेस डल लगने लगता है, तो वो ठीक हो गया है। अब इसके बाद हम इस अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और मसाज करेंगे इसके साथ जो एक पोस्ट ब्लीच क्रीम आती है। फेस पे ब्लीच के बाद ज्यादा रेडनेस नहीं हुई है, कहीं कहीं छोटे छोटे स्पॉट्स हुए हैं क्योंकि मैंने एक्टिवेटर जो उसके साथ आता है वो कम मिलाया था। अगर आप ज्यादा एक्टिवेटर मिला देंगे ना तो उससे आपका फेस बर्न हो सकता है, इसलिए हमेशा एक्टिवेटर थोड़ा मिलाएं। पोस्ट ब्लीच क्रीम से मसाज करने के बाद मैंने अपने फेस पे आइज रब करना स्टार्ट कर दिया, इससे हमारे पोर्स बंद हो जाएंगे और क्रीम अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगी। तो हमने अपने फेस पे आइज रब कर लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्किन बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करने लगी है। तो अब हमने ब्लीच लगा लिया, पोस्ट ब्लीच क्रीम लगा लिया, उसके बाद आइज रब कर लिया। अब इसके बाद हम फेस पैक लगाएंगे ताकि जो हमारे पोर्स है वो अच्छे से बंद हो जाए और स्किन को भी काफी अच्छे बेनिफिट। आप पैक लगाने से पहले स्क्रब कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले स्क्रब किया था और बार बार स्क्रब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने स्क्रब नहीं किया। नहीं लगा लिया, हम इसे ड्राई होने देंगे 10 मिनट्स तक, उसका फेस वॉश। तो गाइस, हमको ये फेस मास्क लगाए हुए 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं, तो अब मैं जाती हूँ अपना फेस वॉश करके आती हूँ। I'm back, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और रिजल्ट आपके सामने है। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।